भारत ने कमाल का प्रदर्शन किया और इसी कमाल के प्रदर्शन की बदौलत उसने 8वीं बार क्रिकेट का एशिया कप जीत लिया। लेकिन इस कमाल के प्रदर्शन में सबसे बड़ी भूमिका रही मियां मैजिक के प्रदर्शन की। जी हां, मियां मैजिक के करिश्मे की बदौलत ही भारत ने 8वीं बार श्रीलंका को हराकर एशिया कप 2023 का खिताब जीत लिया। मियां जी का मैजिक ऐसा चला कि श्रीलंका भारत के आगे बिल्कुल असहाय हो गया। जी हां, मोहम्मद सिराज के करिश्मे के आगे श्रीलंकाई बल्लेबाज पूरी तरह ढेर हो गए। बेहद गरीब घर से आने वाले इस ऑटो चालक के बेटे ने अपनी तूफानी गेंदबाजी के आगे श्रीलंकाई बल्लेबाजों को टिकने नहीं दिया और महज 50 रन के स्कोर पर पूरी श्रीलंका की टीम पवेलियन लौट गई। मोहम्मद सिराज ने अपने 7 ओवरों में 21 रन देकर 6 विकेट उखाड़े, जबकि उनका साथ देने वाले हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट और बुमराह ने 1 विकेट लिया। इस तरह 50 रन के स्कोर पर पूरी श्रीलंकाई टीम आउट हो गई और भारतीय टीम को 51 रन बनाने की चुनौती मिली एशिया कप को जीतने के लिए। सिराज की गेंदबाजी की खूबी यह रही कि उन्होंने महज 1 ओवर में ही 4 विकेट उखाड़ डाले थे। उनकी इस सधी गेंदबाजी की बदौलत ही श्रीलंका की टीम जो दबाव में आई वह कभी उबर नहीं सकी। बहरहाल, भारत ने जवाब में 50 रन का स्कोर महज 7वें ओवर में ही पूरा कर लिया और इस तरह बड़ी जीत दर्ज करते हुए भारत ने एशिया कप जीत लिया, जिसमें मियां भाई यानी कि मियां मैजिक मोहम्मद सिराज, एक ऑटो ड्राइवर के बेटे ने सबसे बड़ा करिश्मा किया।